ये हमारे ड्राइवर भैया है टीका टीका ही राइड रियली अमेजिंग अमेजिंग विद दिस एडवेंचर ही एक्चुअली आई फील लाइक यू एडवेंचर एवरी डे राइट या एग्जैक्टली आई डू एवरी डे सिंस ही वाज 22 ईयर एंड नाउ 32 ईयर ओल्ड ड्राइविंग दिस माउंटेन एरिया एंड इट्स नॉट लाइक अ सेफ यू नो लाइक नॉट रियली as usual we riding so it's like a really difficult like a slope up and down bumpy road also so I really appreciate respect thank you respect. Mr. I respect you too yeah like you drive like a safely for us and like keeping yeah, safe that is my job yeah and you really do your job really good I really appreciate thank you and showing this beautiful view through us it's yeah. really deep really like it okay so there is three options like a traveloka trip advisor and direct contact with you oh yeah if you want okay thank you so much thank you so much and subscribe my channel also yeah what is your channel okay जोहार छत्तीसगढ़। तो मैंने जो पिछला वीडियो एंड किया था तो वहीं से नया वीडियो चालू कर रहा हूँ। तो हम अब नया सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें मैं पहला इंडियन ब्लॉगर होऊंगा जो ब्रोमो वॉल्किनो तक पहुँचने का पूरा A to Z डिटेल्स देने वाला हूँ। बाकी ब्लॉगर्स भी आए हैं, यहाँ पे शूट किया है लेकिन सिनेमैटिक शूट किया है, यहाँ पर लाइक पिक्चराइज किया है, अच्छा शूट किया है, ख़तरनाक व्यू एंगल और ये सब चीज़ें ख़तरनाक किया है इंडियन ब्लॉगर ने भी। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम और ये सब में भी पोस्ट किया है, बट किसी ब्लॉगर ने अभी तक यहाँ पर आके डिटेल A to Z डिटेल ना किसी ने नहीं बताया है। तो ये मैं पहला ब्लॉगर होऊंगा कि ब्रोमो वॉल्किनो तक पहुंचने वाला A to Z डिटेल्स देने वाला मैं पहला ब्लॉगर इंडियन ब्लॉगर बनने वाला हूं। तो इसके लिए मेरे को कमेंट में भाई थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन और ये सब दे देना और शेयर कर देना, क्योंकि जो मैं जाने वाला हूं, जो लोकेशन जहां पर मैं पहुँचने वाला हूँ वो सच में बहुत ख़तरनाक है, मतलब जन्नत है। मैं ना ऑब्वियस ही बात है, ये जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना तो एडिट तो करूँगा ही ना, तो इस एडिट के दौरान में भी ना मैं थोड़े थोड़े चंक्स डालूँगा ताकि आपको ऑटोमेटिकली पता चले कि सच में मैं किस लोकेशन और किस जन्नत के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको पता चले कि यार सच में ये खूबसूरत जगह है। और मैं जो हूँ यहाँ पहुँचा हूँ, मैं ये दूसरी बार जा रहा हूँ,
दूसरी बार जा रहा हूँ, और पहली बार तो गया था उस समय सिर्फ घूमने गया था और काम से आया था तो घूमने के नाम से चला गया था। इस बार मैं आप लोगों के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को साथ ये लोकेशन शेयर कर सकूँ, ब्रोमो वोल्केनो के बारे में बता सकूँ। और पहला इंडियन ब्लॉगर बनने का भी एक खुशी है कि ब्रोमो वोल्केनो के बारे में किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, ए टू जेड गाइड, ना ये कैसे पहुँचा जाए, कैसे जाया जाए, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखा जाए, तो ये सब चीज़ किसी ने नहीं बताया है। तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस ब्लॉगिंग में। तो पहला चीज़ आता है कि हम बुक कैसे करें, क्या इसके पास क्या ऑप्शन है ब्रोमो वोल्केनो के लिए बुक करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रिप एडवाइज़र, दूसरा है ट्रैवलोका जो कि ट्रेन और ये सब चीज़ें भी बुक करते हैं और ये सब चीज़ें हैं। और मैं अपने कंपनी का भी नंबर डालता हूँ जो हम टूर एंड ट्रैवल का ट्राई करेंगे, तो उसका नंबर मैं डालता हूँ, डायरेक्ट आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके भी ये ट्रिप बुक कर सकते हो। तो बुकिंग करने का ऑप्शन मैं आपके साथ बता दिया, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके पूरा ट्रैवल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और मेरे नंबर का यूज़ करके आप ट्रैवल को बुकिंग भी कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर सकते हो और सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और पूरा ट्रिप का मैं आपको गाइड कर दूंगा, और वीडियो में भी तो गाइड कर ही रहा हूँ, करूँगा ही, ठीक है। तो बुकिंग का सिस्टम हो गया, बुकिंग इस तरीके से करना। तो और ये जो ट्रिप स्टार्ट होता है ये रात से चालू होता है, रात के 12:30 बजे चालू होता है। मैं अभी मलांग सिटी में हूँ, ठीक है। तो मलांग सिटी से तो मेरा रात को 12:30 बजे नॉर्मल कार टैक्सी लेने आएगी पिकअप करने, 12:30 से 1 बजे तक पिकअप करके ये जीप का जो पॉइंट है, जीप जहाँ से चलती है, मैं फुटेज में हल्का सा क्लिप डालता हूँ ताकि आपको पता चले मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ऐसे वर्बली बोलूँगा तो उतना समझ आएगा नहीं आएगा, तो उससे अच्छा है कि मैं आपको फुटेज भी थोड़ा थोड़ा शेयर करूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। तो फिर वो जीप स्टेशन तक हमको होटल से ले जाके वहाँ छोड़ेगा, और जीप स्टेशन का टाइम है वहाँ से 1:30 से 2 बजे के बीच में जीप स्टेशन, वहाँ से जीप निकल जाती है सनराइज़ पॉइंट के लिए ब्रोमो में, ठीक है। तो 2 बजे निकलती है तो ऑलमोस्ट 2 घंटा लगता है, तो 4 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, 4:15 4:30 बजे तक पहुँच जाते हो सनराइज़ पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे पहला लोकेशन है। फिर आप वहाँ पर 2 घंटा वेट करते हो, 5:30 6 बजे तक वेट करोगे तो आपको सनराइज़ पॉइंट देखने मिलेगा, सनराइज़ सूरज उगता हुआ। पिछले बार गया था तो मेरे को तो बोर लग गया था, क्या देख रहा हूँ सूरज उगता हुआ, लोग इतने पागल क्यों हो रहे थे, ठीक है वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहाड़ों के बीच से सूरज निकलना और चारों तरफ बादल घिरा हुआ है, मैं पुराने फ़ोटो भी आपको साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन कि होटल से वहाँ तक बुक करने के बाद आपको पूरा पेमेंट पहले करना होता है, और लेकिन ऐसा कोई फ्रॉड और ऐसा सिस्टम वाला सीन यहाँ पर नहीं है, फ्रीली बुक करो और फ्रीली जाओ, बहुत ईजी है। लोगों का यहाँ पर रूल है कि भाई हराम का नहीं खाने का है, तो वो रूल इन लोग फॉलो करते हैं और सही तरीके से हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार से ले जाते हैं, प्यार से इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्यार से आपको होटल तक जहाँ से लिया, जहाँ से पिकअप किया है वहाँ तक ड्रॉप कर देते हैं। और ट्रिप एंड होता है अराउंड 2:00 से 3:00 बजे तक, यानी मतलब 12-13-14 घंटे का ट्रिप रहता है, रात को शुरू होता है और 2:00 तक ख़त्म होता है, ठीक है। तो मतलब 14 घंटा तक मान के चलिए आपका ट्रिप होगा। तो ये रहा जाने और आने का, 7 जगह पे लेके जाएंगे, 5 से 7 जगह लेके जाएंगे, डिपेंड की टाइम, क्योंकि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो आगे मेरे वीडियो फॉलो करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि मैं 5 पॉइंट भी हो सकता है, 7 पॉइंट भी हो सकता है, मैंने 5 पॉइंट वाला बुक किया है। तो देखते हैं अगर टाइम बच गया तो अपने को शायद 6 या 7 पॉइंट तक लेके जा सकते हैं फ्री में, और पेमेंट उतना ही रहेगा, ठीक है। अब डिपेंड की टाइम का है, क्योंकि वो टाइम अगर हम 1 से 2 बजे के पहले के बीच हो गया तो सेफली हम उस टाइम को रिकवर करके वो स्पॉट भी देख सकते हैं। जाने से पहले क्या क्या सेफ्टी रखी है, ठीक है।
देखिए सुबह जब आप सनराइज पॉइंट पे जाते हो तो 0 से 10 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है, ठंडी रहता है। मैं जब पिछले बार गया था तो सिर्फ एक हुडी पहन के गया था तो मेरी हालत ख़राब हो रखी थी, बहुत हालत ख़राब हो गई। तो इस बार मैं जैकेट यहाँ आके ख़रीदा, मैं लेके नहीं आया था, जैकेट 2-3 स्वेटशर्ट टी शर्ट ये सब चीज़ मैंने रखा है और 4-5 कपड़े पहन के जाने वाला हूँ, क्योंकि पिछले बार जैसे जो हालत हुई थी मेरी वो हालत इस बार नहीं ले करना चाहता हूँ, क्योंकि ठंड से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो और ठंड से प्रॉब्लम वाला इंसान एवरेस्ट चढ़ने वाला भी है, एक दिन एवरेस्ट का भी ट्रिप करेंगे हम, एवरेस्ट का बेस कैंप वाला भी ट्रैवल करने वाला हूँ बहुत जल्द, अभी नहीं इस साल नहीं बट नेक्स्ट ईयर, अभी बहुत सारा प्रिपरेशन करना है, बट अभी पहले ये वाला तो कर लूँ, इस ठंडी को तो सहने की आदत डालूँ, उसके बाद फिर एवरेस्ट के बारे में सोचेंगे। तो ये हो गई, कपड़े रख लेना ठीक है, गर्म कपड़े रख लेना और ठंडे कपड़े भी रख लेना बैग में ठीक है, खाना पीना भी रख लेना क्योंकि वहाँ ना मिलते हैं बट महंगे मिलेंगे, तो अपना खाना पीना ये सब चीज़ रख लेना, नाश्ता पानी, क्योंकि 12-14 घंटे का ट्रिप होने वाला है, 12-15 घंटे का ट्रिप होने वाला है, तो ये सब चीज़ नाश्ता पानी खाना पीना कंबल रजिया सब रख के जाना। जीप में कम से कम 6 लोग आते हैं ठीक है, 6 लोग एक जीप में आते हैं, प्राइवेट टूर भी कर सकते हैं, पब्लिक टूर भी कर सकते हो, पब्लिक टूर में मतलब आप शेयरिंग टूर कर सकते हो और प्राइवेट मतलब आप खुद के लिए जीप बुक कर सकते हो। तो सब आगे आने वाले वीडियो पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कितना लगता है क्या है वो धीरे धीरे आपको मेरे वीडियो पे पता चल जाएगा। तो यार ज़्यादा पकाते नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे के यार, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे दे ही बैठ जाऊँगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और स्किप करने लगोगे, तो मेरा यूट्यूब का इंप्रेशन वाला क्लिक मज़ा नहीं आएगा। तो बेटर है कि मैं अपने वीडियो पे वो सब चीज़ें दिखा के आपको अपडेट करूं, इन्फॉर्मेशन दूं। तो मैं अपना वीडियो को शुरू करता हूं, अपना ब्रोमो ट्रिप शुरू करता हूं और अपना ट्रैवल शुरू करता हूं, और साथ ही साथ आप लोकेशन और मेरे एक्सपीरियंस का मज़ा लीजिए और साथ ही साथ इस ट्रिप के इन्फॉर्मेशन को भी जानिए ठीक है। तो शुरू करते हैं हम ब्रोमो ट्रिप, मैं जाता हूँ, सबसे पहले पैकिंग करता हूँ अपने कपड़े लते, नहा धो तो पहले से ले लिया है, थोड़ा देर में डिनर करता हूँ बट, और उसके बाद थोड़ा सा झपकी मार लेता हूँ, अभी 6-6:30 बजे तक मेरा खाना पीना हो जाएगा, अभी 5 बज रहे हैं, तो मैं बस अभी खाना पीना करके थोड़ा सा झपकी मार लूँगा 3-4 घंटा, 7 से 10-11 बजे तक सो जाऊंगा, उठूंगा हाथ मुंह धोऊंगा, कपड़े तो ऑलरेडी पैक्ड हैं, थोड़े से पैक और कर लूंगा, उसके बाद निकल जाएंगे हम ब्रह्मो ट्रिप के लिए और फिर से कल आएंगे हम अपने इस शानदार होटल में। और होटल का व्यू कैसा लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स पे बता देना भाई, क्योंकि तो रूम से शूट करना बोर लग रहा था तो मैंने बोला यार अच्छे लोकेशन में हूँ, अपने अच्छे होटल में हूँ, तो क्यों ना इस व्यू का यूज़ करके वीडियो बनाया जाए, तो मैं इस व्यू का यूज़ करके आप लोगों के साथ प्रोमो ट्रिप शेयर किया है। हो गया मेरा खाना पीना, अब मैं जाता हूँ रूम में, थोड़ा सा झपकी ले लेता हूँ 3-4 घंटे वाली, फिर पूरी रात ट्रैवल करेंगे, मज़ा आएंगे। Kalau sama-sama spot way gitu enggak berangkat bareng gitu kan? Nah, tadi bareng itu, Mbak. Oh, tadi bareng. Yeah. Nanti di sana juga bareng gitu. Kalau di lokasi kita enggak jamin bisa bareng. Oh. Hamari jeep sunrise पॉइंट पे छोड़ दिया है, अच्छा हुआ मैंने ये जैकेट वैकेट सब खरीद लिया, यहाँ पर वैसे रेंट पे देते हैं 25,000-50,000 तक रेंट पे मिलता है, मतलब 200-300 तक के लिए मिल जाता है, बट मैंने पहले खरीद लिया था क्योंकि पिछले बार मैं बहुत भुगता था,
Sing lanang iku tawanono jaket ta. Tuh, is bar. Loh. Better hai ki karin lo. बाइक में भी आ रहे हैं लोग, बट मेरे में हिम्मत नहीं है बाइक राइड करने का। बाथरूम और आग ही तापने वाले। तो आग ही ताप सकते हो रुक के, मैगी नूडल खा सकते हो, बाथरूम यूज़ कर सकते हो। बाथरूम यूज़ करने का 3000 इंडोनेशियन भाई, इंडिया नहीं, ठीक है। तो ऐसा 20-30 रुपया, मतलब इंडिया रुपीस में। आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं सनराइज पॉइंट से अपना वीडियो को। But if I lay down...